द न्यूज में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत कई और लोगों के नाम जो है मेंशन किए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरुआत से उन्हें बेगुनाह बता रही थी, बेकसूर बता रही थी और हमेशा यही कहती थी कि अगर वो गुनहगार है तो उनका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है, अगर उसने कुछ किया है तो उसका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें अब उनका नाम पहली बार जो है सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया का नाम इसमें दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई ने एक चार्जशीट जो है दिल्ली के जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के शराब घोटाले मामले में दर्ज करवाई है और इसमें ये सारे क्लेम जो अरविंद केजरीवाल करते थे वो झूठे साबित हुए हैं, जो सिसोदिया जी को बेगुनाह बताते थे ये सारे जो उनके दावे थे उनकी पोल खुल चुकी है और साथ ही केजरीवाल ने को भी अब जो है गुनहगार की कैटेगरी में डाला जाएगा। केजरीवाल जी ने सारे मॉरल राइट जो कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक मुख्यमंत्री के होने चाहिए वो खो दिए हैं और अब उन्हें अपना भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और अब उन्हें शर्म आनी चाहिए और शर्म से उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने भी लिखा कि अब तो यह बात साफ हो गई है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, केजरीवाल जो है सरपरस्त है, यानी जो है प्रोटेक्टर और किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल ही है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो है स्टार्ट में शराब घोटाले की यही करता धरता है, यही आर्किटेक्चर है और उन्होंने ही 90 से 100 करोड़ रुपए जो है वो घोटाला किया है, इन्होंने ही जो है ये सारे घोटाले किए हैं, शराब घोटाले में पैसे लेने का काम किया है और अब सीबीआई ने चार्जशीट में उनका नाम दाखिल करके भी ये बात साबित कर दी है। करप्शन की जो डिग्री है अब वो खुल चुकी है और अब सच जो है सबके सामने आ चुका है। तो आप देखिए किस तरीके से जो है लगातार वो कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल भारत रत्न की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, मनीष सिसोदिया बेकसूर है, मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ किया है तो चार्जशीट में उनका नाम क्यों नहीं आता है, चार्जशीट में अलग अलग लोगों के नाम होते हैं लेकिन मनीष सिसोदिया को अब तक नहीं नाम दर्ज किया गया है। बता दें कि शुरुआत में जब इस मामले की जांच हो रही थी उस वक्त ही मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया गया था और इसके बाद जो है कई सारी चार्जशीट दाखिल की गई उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था क्योंकि उनके खिलाफ जाँच जो है लगातार चल रही थी। और अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाँच तो चल ही रही थी, अब मनीष सिसोदिया को लेकर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया है और साथ ही साथ उन्होंने एक हैदराबाद बेस्ड सीए भी हैं जो है बुच्ची बाबू, उनका भी नाम उसमें शामिल किया है। बता दें कि बुच्ची बाबू जो है वो के कविता के काफी करीबी हैं और उसके बाद उनका नाम भी शामिल किया गया है और इसके बाद अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब इनकी बात जो है अब इसके खुलासा हो चुका है कि ये जो कट्टर ईमानदार बताने का प्रयास कर रहे थे, जो शुरुआत से उन्हें ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने कुछ नहीं किया है, मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, उनके सारे दावों की पोल खुल गई है और सबसे बड़ी बात है कि अब चार्जशीट पे भी मनीष सिसोदिया का नाम सामने आ गया है। बीजेपी तो सवाल दाग ही रही है, पूछ ही रही है कि मनीष सिसोदिया को लेकर ये जो बड़ी बड़ी बयानबाजी करते थे, बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी कहती थी, अब उनको क्या हुआ, अब सीबीआई ने जो कोर्ट में ये दाखिल किया है चार्जशीट, अब ये जो चार्जशीट में इनका नाम सामने आया इस पर आम आदमी पार्टी काहे नहीं कुछ कहती है, इस पर क्यों नहीं उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया को लेकर उनके साथ साथ और चार लोग जो है उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, मनीष सिसोदिया का नाम आना ये पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि मनीष सिसोदिया इस बड़े शराब घोटाले मामले में दोषी है। पहले भी एक खुलासा कोर्ट में किया गया था, कहा गया था कि मनीष सिसोदिया ही इस पूरे खुलासे के जो है शिल्पकार है, जो मनीष सिसोदिया इस घोटाले के शिल्पकार है, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, लेकिन किसके इशारे पर किया है, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल से भी 10 घंटे लंबी पूछताछ
पूछताछ इस मामले में चली थी। और अब आप देखिए कि किस तरीके से अब दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम जो है वो दर्ज किया गया है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जो कि लगातार दावे कर रही थी कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, और ये उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। वही प्रतिक्रिया भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी तो सवाल दाग ही रही है, साथ ही साथ अब जनता भी सवालिया निशान खड़ी कर रही है। जनता भी अब कह रही है कि क्या हुआ दावे का, भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार आज खुल गया, भ्रष्टाचारियों की सच्चाई अब सामने आ गई है। बता दें आपको कि लोग क्या कह रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा, आलोक नाम के व्यक्ति ने लिखा है, दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भारत रत्न के लिए सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में रिमांड कर दिया है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, अब सिसोदिया और लंबा गया, चार्जशीट में नाम फिर से आ गया है। संजय सिंह पूछ रहा था नाम कहां है, अब आजकल में संजय सिंह भी अंदर होने वाला है। हां बता दें आपको कि संजय सिंह लगातार जो है कह रहे थे कि गलत तरीके से फंसाया गया है, सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में फंसाने का काम जो है बीजेपी कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी उनके इशारे पर काम कर रही है। नाम नहीं है उनका, चार्जशीट में नाम नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को, नाम कहां है बताइए। तो अब ये संजय सिंह के भी ऊपर करारा तमाचा है, उनके बयान पर उनका करारा तमाचा है, जब उनका नाम आज मनीष सिसोदिया का नाम इस चार्जशीट में दाखिल किया गया है। एक और आपको बता दें कि व्यक्ति ने लिखा है कि जो है तो अब तो फिर तो जमानत करवा लो, अब ये कह रहे हैं कि अब जमानत करके दिखाओ कि कैसे तुम जमानत करोगे। तो आपको बता दें कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सिसोदिया को बहुत भयंकर फंसा दिया है। एक व्यक्ति ने लिखा है, वाह केजरीवाल क्या गजब का फंसाया सिसोदिया को, अब तो बात आर्ग्यूमेंट कोर्ट हियरिंग तक आ गई है, इतने दिन का तमाशा भी नहीं बचा पाया सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया अब चुप्पी तोड़ भाई, अब आर्ग्यूमेंट में फंसने से तो जेल लंबा जाना पड़ेगा। तो अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को अब भी जो है सच्चाई बोल देनी चाहिए, केजरीवाल की जो सच्चाई है सबके सामने खुलासा कर देना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए। तो बता दें कि काफ़ी पहले बयान दिया गया था कि सारे काम जो है इनके द्वारा किया गया है, इशारा किसी की तरफ से है, लेकिन काफ़ी विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद से खुलासे हुए थे, मनीष सिसोदिया पर भी बड़े बड़े खुलासे हुए। अब मनीष सिसोदिया की सच्चाई भी अब देखेंगे जनता के सामने आ गई है और ये अपने आप में एक बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट है शराब घोटाले मामले में, कि मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में अब सीबीआई द्वारा जो है दाखिल किया गया, साथ ही और चार लोगों का नाम भी दाखिल किया गया है, जिसके वजह से अब बीजेपी सवाल दाग रही है स्पष्ट तौर पर। शहजाद पूनेवाला हो या फिर मजिंदर सिंह सिरसा या फिर जनता, कह रही है इनके भ्रष्टाचार की पोल को जिस कदर खुल गई है, अब ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, जनता इनकी सच्चाई देख रही है कि जिसे ये बेगुनाह बता रहे थे, भारत रत्न की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो व्यक्ति दोषी है, वो व्यक्ति जो है शराब घोटाले में लिप्त है, वो शिक्षा मंत्री नहीं शराब मंत्री और ये हम नहीं, ये कॉमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं और अब बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।